गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यस, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ए और एन का यूज़ किया था। ए और एन का यूज़ कब होता है वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सारा समझाया था। ए का यूज़ कब होता है? जब क्या हो? कॉन्सोनेंट्स। ए का यूज़ कब होता है? जब कॉन्सोनेंट्स हो, जैसे कि बी सी डी एफ। और एन का, ए एन एन, एन का कब होता है? जब वोवल्स हो, वोवल साउंड हो, जैसे कि ए ई आई ओ यू। वोवल्स होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21। तो जब वोवल साउंड होंगे या वोवल्स साउंड की आवाज़, जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं या वर्ड बोलते हैं, तो जैसे कि एप्पल, एरोप्लेन, तो उनमें साउंड कैसे है? ओवल, अम्ब्रेला, उनमें क्या साउंड आते हैं? ए ई आई ओ के साउंड आते हैं। तो उनके आगे क्या लगेगा? हमेशा एन। और कॉन्सोनेंट्स के आगे क्या लगेगा? ए। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सारा कर लिया था। आज हम क्या करेंगे? यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर, देयर क्या होता है? देयर को कोई लोग, कुछ लोग तो डी भी बोलते हैं। देयर का मीन्स क्या होता है? देयर। देयर कब आता है? देयर का यूज़ कब करते हैं? जब पूरे वर्ल्ड में या तो कोई चीज़ फेमस होती है या फिर एक होती है, उसके आगे क्या लगता है? देयर लगता है। फेमस हो उसके आगे भी देयर लगता है, ये ध्यान रखना बच्चों। जैसे कि हम लोग वर्ल्ड में वन हो, फेमस हो वो चीज़, उसी के आगे क्या लगता है? देयर लगता है। जैसे हम लोग बताओ, ताजमहल, ताज ताजमहल, ताजमहल पूरे वर्ल्ड में एक ही है, उससे अलग है और भी है क्या ताजमहल? नहीं। तो उसके आगे क्या लगेगा? टी एच ई, द, द ताजमहल। क्या बोलेंगे हम? द ताजमहल, क्योंकि वो वर्ल्ड में एक ही, पूरी दुनिया में एक है। नेक्स्ट अपना, जैसे रिवर, रिवर, रिवर मीन्स क्या होता है? नदी। नदी पता है ना आप लोगों को कौन कौन सी होती है? गंगा, यमुना, सरस्वती, जमुना। यस, रिवर, रिवर, रिवर भी एक ही होती है, जैसे गंगा एक है, सरस्वती एक है, जमुना एक है, होती है ना। तो रिवर के आगे जैसे कि गंगा, तो गंगा के आगे क्या लगाएंगे हम? टी एच ई, द, द गंगा, द जमुना, द यमुना, क्योंकि वो रिवर, नदी एक ही होती है, चाहे गंगा ले लो, चाहे जमुना ले लो, चाहे सरस्वती ले लो। वैसे ही ताजमहल, लाल किला, रेड फोरेट, ये सब क्या होते हैं? वन ही है पूरी वर्ल्ड में, तो उनके आगे द लगेगा, रिवर के आगे द लगेगा। नेक्स्ट अपना है माउंटेन, माउंटेन्स, माउंटेन्स मीन्स क्या होता है? पहाड़, पहाड़ है ना, पहाड़। उनके आगे भी क्या लगेगा? द लगेगा, मीन्स कि हिमालय। हिमालय माउंटेन मीन्स पहाड़, जैसे कि हिमालय, हिमालय पूरे वर्ल्ड में एक ही है पहाड़, माउंटेन एक है, तो उसके आगे भी क्या लगेगा? द। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो एक है उसके आगे क्या लगेगा? द लगेगा। जैसे कि सन, एस यू एन, सन, एम ओ डबल एन, मून। सन मीन्स सूरज, मून मीन्स चांद, पूरे वर्ल्ड में एक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? द सन, द मून। जैसे कि किसी के नाम के आगे भी, जैसे फेमस पर्सन हो, जैसे कि नरेंद्र मोदी, वो एक है, तो उनके आगे भी क्या लगाएंगे हम? द बोलेंगे ना उनको? यस,
पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया में एक होगी उसी वस्तु के आगे क्या लगेगा? द। द को कुछ लोग क्या बोलते हैं? दी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। यस, जैसे कि अपनी आपकी बुक पेज नंबर 15 उसमें दे रखा है टी अची द, ये देखो टी अची द सी ए टी कैट एल ओ वी ई एल लव्स एम आई एल के मिल्क द कैट लव्स मिल्क एनिमल्स के आगे भी द लगता है। नेक्स्ट है जैसे टी एच ई द आई जी एल डबल ओ इग्लू आई एस इज ए एस एन ओ डब्लू स्नाउ एच ओ यू एस सी हाउस स्नाउ हाउस तो द इग्लू इज ए स्नो हाउस। इग्लू किससे बनता है? बर्फ का, तो बर्फ़ से बनता है, फेमस है, तो इसको क्या होगा? द इग्लू। ओके, तो ये मैंने आपको द का आर्टिकल ये समझा दिया, द कब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू।